आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में रोजगार मेले के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप भी हैं बेरोजगार तो इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप भी हैं नौकरी की तलाश में तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे क्या करना है, तो हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की नौकरी की भर्ती ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है, तो आप भी जल्दी से पंजीकरण कर लें। कैसे क्या करना है सब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में से स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे पंजीकरण करना है, कैसे क्या करना है। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे दें कि यह जो जॉब है, जो निकली हुई है भर्ती वैकेंसी जो निकली हुई है सरकारी और प्राइवेट, वो भर्तियाँ 13 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं, जो कि अब चल रही हैं। तो पूरे अक्टूबर में ये भर्तियाँ चलती रहेंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पंजीकरण कैसे करना है और कैसे आपको नौकरी मिलेगी और आपके ज़िले में वैकेंसी है कि नहीं है, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। और उसके बाद इसकी डेट क्या है, आपके ज़िले में कौन सी डेट है, कौन सी डेट चल रही है, तो सारी जानकारी हम आपको देंगे कब आप पंजीकरण कर सकते हैं। ये पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका पंजीकरण आपको कहाँ से करना है। तो इसका एक वेबसाइट है, तो उसी के जरिए आपको ये पंजीकरण करना है। चलिए पहले डिटेल देख लीजिए, इसकी डिटेल क्या है, इसमें क्या है, इस योजना के जरिए आप कौन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये डिटेल आपको पूरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, प्रदेश के योजनाओं कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगार अभ्यर्थी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा योजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थी एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नियोजक अपनी आवश्यकतानुसार बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन करते हैं तथा बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी अपनी इच्छानुसार संस्थान कंपनी चयन करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप अपनी इच्छानुसार जो भी नौकरी करना चाहें वहाँ पर आप फॉर्म में ऐसा भर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नौकरी के बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु सर्वप्रथम जॉब सीकर को सेवा योजन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, हम आपको बता देते हैं। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं जॉब सीकर क्या होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जॉब सीकर का मतलब है कि आप अभी आपको नया जॉब चाहिए, तो उसका मतलब यही है जॉब सीकर का। तो इसके लिए आपको इसमें पंजीकरण करना होगा और बेरोजगार अभ्यर्थियों के समान ही नियोजकों के भी उक्त पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण के उपरांत नियोजक अपने संस्थान की रिक्तियों को सेवा योजन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उक्त अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष जिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की प्रोफाइल मैच करती है उनको सिस्टम जनरेट मेल प्रेषित हो जाएगी कि आपकी शैक्षिक योग्यता कौशल एवं अनुभव के अनुरूप रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड की गई हैं, अतः आप प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर निर्धारित संख्या तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक अभ्यर्थियों की सूची नियोजक एवं एडमिन पैनल पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी पोर्टल पर की गई है। नियोजक द्वारा उक्त सूची के आधार पर अपनी आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। ऐसे शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को संबंधित सेवायोजन अधिकारी द्वारा ईमेल के माध्यम से रोजगार मेलों में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किए जाने की व्यवस्था की गई है। रोजगार मेलों का आयोजन संबंधित जनपद स्तरीय सीमित द्वारा संपादित किया जाएगा। चयन के उपरांत नियोजक चयनित अभ्यर्थी को की सूची संबंधित सेवायोजन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिसको उनके द्वारा उक्त पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसमें अपना पंजीकरण कर लेंगे, इस वेबसाइट पर आप अपना पंजीकरण कर लेंगे, क्योंकि ये सरकारी वेबसाइट है, इस पर आप अपना पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। पंजीकरण जब आप अपना इसमें कर लेंगे तो आपको जब भी कोई नौकरी आती है, अभी तो नौकरी आई है तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद भी आपको फ़ायदा होगा। जब भी कोई और नौकरी आएगी बाद में तो आपको आपके प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये तो थी रोजगार मेले के बारे में जानकारी कि क्या है रोजगार मेला, कैसे क्या है, सारी जानकारी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो ये जानकारी जब आपको पता चल जाएगी तब इसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इसको इस जानकारी को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस वेबसाइट को कैसे ओपन करना है, तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल में आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, क्रोम ब्राउज़र खोल सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है सेवा योजन, ठीक है। आप सेवा योजन, केवल सेवा योजन आप लिखिएगा। सेवा योजन लिखने के बाद देखिए स्क्रीन पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देख लीजिए, जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, सबसे ऊपर सेवा योजन UP NIC.in लिखा है, तो वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद देखिए तो वेबसाइट खुल गई है, सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये वही जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। डिटेल इसमें लिखा हुआ है नीचे, और आपको दिख रहा होगा कि न्यू अकाउंट, जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, लॉग इन, तो सारा कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप ये स्लाइड करते जाना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रारंभिक दिनांक, अंत दिनांक, मेला का स्तर और जिला स्तर, उसके बाद कब मेला लगेगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। देखिए मैनपुरी, अयोध्या, फतेहपुरी, मेरठ, सीतापुर, कासगंज, देवरिया, अम्बेडकर नगर, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, उन्नाव, वाराणसी, चंदौली, हाथरस, लखीमपुरी, देवरिया, इटावा, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, अमरोहा, गाजियाबाद, ललितपुर, बागपत, मेरठ, बलिया, मुरादाबाद, शामली, रामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, गोंडा, बरेली, आजमगढ़, कुशीनगर, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर, हापुड़, तो यही सब ज़िले हैं। आप अपने ज़िले वाइज देख सकते हैं कि आपका कौन सा ज़िला है, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी हुई है। और उसके बाद आपको अपना ज़िला वाइज सारा कुछ इसमें डिटेल दिख रहा होगा। जिसने जिसने अभी तक इसमें इस वेबसाइट पर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो वे अपना पंजीकरण कर लें, लॉगिन हो जाएं इसमें। और अगर आप लॉगिन नहीं हुए हैं तो लॉगिन हो जाएं। और उसके बाद अब और जो लॉगिन नहीं हुए हैं कैसे लॉगिन होंगे, यूजर जो हैं वो लॉगिन करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर नेम लिखा है, नेम के स्थान पर अपना नेम लिखना है, मोबाइल लिखा है, मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है, यूज़र आईडी लिखना है, और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपको अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट करना होगा, और यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा कैप्चा अंक दर्ज करें, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है तो यही नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इन्होंने इसमें पंजीकरण पहले से करा हुआ है तो उनको कुछ इस तरह से लॉगिन करने पर दिखेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। को जो ये ऊपर दिख रहा होगा जॉब सीकर कैटेगरी, तो इसको आप जॉब सीकर पर ही रहने दें। पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे इसमें, तो लॉगिन होने के बाद अब आपको यहाँ पर जो हमने आपको पहले ही दिखाया था जिला स्तर, आप इसके जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं प्रतिभाग करें, ठीक है। अब आपका जो जिला स्तर है, देखिए जिला स्तर के आपके सामने जो प्रतिभाग करें लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो भी जॉब पसंद आए वहाँ पर सारी कंपनियों के नाम लिखे रहेंगे, सारा जॉब्स लिखा रहेगा, क्या कैटेगरी किसकी क्या है, कौन सा जॉब है, तो सारी जानकारी वहाँ पर दी रहेगी। आप अपनी इच्छानुसार जो भी आप जॉब करना चाहें उसमें आप आवेदन कर दीजिएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन तरीके से ही इसमें आवेदन हो रहा है, अभी आवेदन की प्रक्रिया चालू है, और आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपके कौन सा, आपका कौन सा ज़िला है। आप अपने ज़िला वाइज चेक कर सकते हैं कि इसकी डेट कब ख़त्म होने वाली है। और हम आपको बता दें कि अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, पूरे मतलब पूरे अक्टूबर में इसका चलता रहेगा, ये मेला पूरे अक्टूबर में रहेगा, और ये वैकेंसी अभी चालू रहेगी पूरे अक्टूबर में। तो आप जल्द से जल्द इसमें लॉगिन कर लीजिए और आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन पंजीकरण कर दीजिए, ऑनलाइन आवेदन आप जल्दी से कर दें ताकि आपको भी जॉब मिल सके।
आपको ऑनलाइन पंजीकरण में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे और हम आपके कमेंट का जवाब आपके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इसके आगे भी हम इस योजना से रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपको अगर वीडियो हमारा ज़्यादा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। इसके आगे की वीडियोज़ में भी हम आपको इससे रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको बिजली तरीके से भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं आसानी से। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक।